आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ की प्रतिक्रिया, बोले एमपी में 18 साल के कुशासन का अंत। कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, नीतीश कुमार के पिछले 5 बयान जिनसे साथी और विरोधी सब है कंफ्यूज। अरे भाई छोड़ो अखिलेश वकलेश, कमलनाथ के बयान से कांग्रेस पर बुरी तरह भड़क गए सपा प्रमुख। कुत्ता लौटा दूंगी, सीबीआई से शिकायत वापस ले लो, महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर ने लगाए टीएमसी सांसद पर गंभीर आरोप। चल पड़ी नमो भारत रेल, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। जैसा भारत ने किया 40-50 सालों में किसी देश ने नहीं किया, 41 डिप्लोमेट्स को निकालने पर तिलमिलाया कनाडा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास से की पुतिन की तुलना, बोले दोनों लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, $93 के पार पहुंचा रेट। कंगना रनौत बन गई बुआ, बेबी को गोद में लेकर नहीं रोक पाई आंसू, बोली इस तेजस्वी बालक का नाम। और वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या कितने मैच नहीं खेल पाएंगे, टीम से कब जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर रात को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की 88 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए आज अपने 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मैं सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ विधायक बनने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए चुनाव के मैदान में उतरे हैं। आइए आज से हम सब अपने कर्तव्य में जुट जाए और मध्य प्रदेश से 18 साल के कुशासन का अंत करने के लिए कमर कस ले, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। एक तरफ देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घड़ी आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम चुनाव भी चौखट पर आ गया है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच जो बचा हुआ खाली समय होगा वह नेताओं के इधर से उधर भागने का हो सकता है। कोई किसी का साथ छोड़ेगा तो कहीं किसी का हाथ थामेगा। तकरीबन 24 घंटे पहले मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने ऐसी बात कह दी जिससे दोस्त कंफ्यूज है कि क्या उन्होंने दुश्मनी का दाव चल दिया है, तो वहीं दुश्मनी सोचने पर जुट गया है कि आखिर नीतीश कुमार से दुश्मनी किस बात पर हुई है। पर नीतीश तो नीतीश है, अपनी नीति चलकर वो निकल गया है अगली रणनीति के लिए। असल में मामला ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, अगर पता होता कि कांग्रेस विधानसभा में गठबंधन नहीं करेगी तो हम कभी उनका फोन भी नहीं उठाते। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और MP PCC चीफ कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा के दौरे पर थे। इस दौरान PCC चीफ ने मीडिया से कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, टिकट घोषित होने के बाद फोन कॉल आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि काफी उत्साह है, हम उम्मीद से भी बेहतर संख्या से जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दोहा द्रईक और TMC सांसद महुआ मोइत्री के बीच इन दिनों एक 3 साल का कुत्ता विवाद की वजह बना हुआ है। संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले को लेकर महुआ पहले से ही मुसीबतों में फंसी हुई है। ऊपर से अब इस मामले में उनके पूर्व पार्टनर जय अनंत देहद्रही की एंट्री हो गई है। देहद्रही की चिट्ठी के आधार पर ही BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाया था। दरअसल महुआ और देहद्रही के बीच 3 साल के रोट व्हीलर ब्रीड के कुत्ते की कस्टडी को लेकर विवाद है। इस रोट व्हीलर कुत्ते का नाम हेनरी है जो फिलहाल महुआ के पास है। जय अनंत देहद्रही इस कुत्ते की कस्टडी अपने पास लेना चाहते हैं।
देहदराही ने 20 अक्टूबर शुक्रवार को आरोप लगाया है कि महुआ ने कहा कि वह हेनरी को उन्हें लौटा देगी अगर वह कथित सवाल पूछने के बदले कैश लेने के मामले में हीरा नंदानी ग्रुप के साथ उनके संबंधों को लेकर सीबीआई को की गई शिकायत वापस ले लेते हैं। देश को पहली रेल नमो भारत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। यह यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है और 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCR में इस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसे दिल्ली मेट्रो की अलग अलग लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे शहरों को भी दिल्ली से जोड़ेंगे। राजनयिक तनाव के बीच मोदी सरकार के अल्टीमेटम के बाद कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया है। ये जानकारी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। वहीं कनाडा के एक पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत द्वारा कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 40 या 50 वर्षों में इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं है जहां ऐसा कुछ हुआ हो। हालांकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या को कम करने की तय तारीख 10 अक्टूबर की थी, लेकिन कनाडा ने भारत के साथ निजी बातचीत से इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन यह वार्ता विफल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमास और रूस दोनों ही लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को कांग्रेस से यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग को मंजूरी देने की सिफारिश करेंगे। ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम एक संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा, हमास और पुतिन का आतंक और अत्याचार अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे दोनों पड़ोसी लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता जारी रही तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी संघर्ष और अराजकता फैल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कई दिनों से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी बरकरार है, लेकिन आज 20 अक्टूबर को इसमें बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसी बीच भारतीय तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल डीजल के आज 20 अक्टूबर के लिए रेट जारी कर दिए हैं। दरअसल भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव अपरिवर्तित है। नवरात्र के मौके पर कंगना रनौत के घर में खुशियां आई हैं। कंगना बुआ बन गई है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करके दिया है। घर के चिराग को गोद में लेकर वह अपने आंसू भी नहीं रोक पाई और भावुक हो गई। कंगना रनौत की भाभी रितु रनौत ने बेटे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर कंगना ने एक के बाद एक 5 तस्वीरों के साथ घर के नए मेहमान के चेहरे और नाम भी अपने फैंस के साथ साझा किए। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में कंगना अपनी मां आशा रनौत, बहन रंगोली और भाई अक्षत के साथ नजर आ रही हैं, जो रनौत परिवार के चिराग को गोद में उठाकर काफी खुश है। इंस्टाग्राम पर कंगना ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, आज इस सौभाग्यपूर्ण दिन पर हमारे परिवार को संतान प्राप्ति हुई है। मेरे भाई अक्षत रनौत और उनकी धर्मपत्नी रितु रनौत को सौभाग्य से पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस तेजस्वी एवं मन मोह लेने वाले बालक का नाम हमने यशोधामा रनौत रखा है। आप सब हमारे परिवार के नए सदस्य को आशीर्वाद दें। हम अपनी असीम प्रसन्नता आप सबके साथ बांटते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे नन्हे मेहमान को गोद में लेकर कंगना भावुक हो रही हैं। तस्वीरों पर फैंस ने उन्हें बधाई दी है और नन्हे मेहमान को आशीर्वाद भी दिया है।
हार्दिक पांड्या की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पांड्या 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी ले जाया जाएगा, जहां इंग्लैंड के एक विशेषज्ञ डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। इस दौरान उन्हें कुछ इंजेक्शन लगाए जाएंगे। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और बांग्लादेश के मैच के दौरान हार्दिक के बाएं टखने में चोट लग गई थी। इसके बाद वो पूरे मैच के दौरान मैदान में नहीं उतरे। बीसीसीआई के मुताबिक अब ये साफ हो गया है कि हार्दिक पांड्या 20 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ धर्मशाला के लिए उड़ान नहीं भरेंगे। अब वो सीधे लखनऊ में टीम से जुड़ेंगे, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 29 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा।